लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने बेटे के साथ खेत में पत्ता काटने गए एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मृतक एक समुदाय विशेष का था, जिसके चलते एहतियातन मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। मृतक को गोली मारने की वजह क्या थी यह साफ तो नहीं हुआ, लेकिन रंजसन घटना को अंजाम देने की आशंका जरूर जताई गई है। पिछले कई दिनों से खामोश बदमाशों की बंदूकों ने राजधानी में पांचवें चरण की 2 सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही फिर से आग उगलनी शुरू कर दी है। इस बार बदमाशों की गोली का शिकार अधेड़ उम्र के पप्पू हुए हैं। पप्पू लखनऊ में थाना ठाकुरगंज के बरावन कला के रहने वाले थे। यह आज अपने बेटे के साथ पत्ता काटने के लिए खेत पर गए थे। इसी बीच लाल पल्सर सवार 2 व्यक्ति वहां पर आए और पप्पू से बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान ही मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पप्पू को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद मृतक के परिजनों के साथ ही एकजुट हुए स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम हाउस ले जाने का विरोध करने लगे। मौके की नजाकत को देखते हुए घटनास्थल पर पहुंची कई थानों की पुलिस बल ने नाराज लोगों को समझाया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने घटना के पीछे फिलहाल किसी रंजिश होने की बात से इनकार किया है। मृतक किसी रस्तोगी नाम के व्यक्ति की खेतों की रखवाली के साथ ही कई तरह का दिहाड़ी का काम कर घर परिवार को पाल रहे थे। ऐसे में बदमाशों द्वारा पप्पू को गोली क्यों मारी गई यह साफ नहीं हो पाया। घर वालों ने रंजिश की बात से तो इनकार किया है, लेकिन पुलिस अधिकारी विकास त्रिपाठी ने रंजिश के चलते घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। देखिए, ठाकुरगंज में बरावन कला गांव है, यहाँ पे पप्पू नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी एज करीब 45 साल बताई गई है। वो अपने बेटे के साथ यहाँ पे खेत में कुछ पत्ता काटने आए थे, उसके बाद बेटा इनका घर की तरफ चला गया। इसी दौरान बताया जाता है कि 2 लोग आए जो जिससे ये बातचीत कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए और कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने उनको गोली मार दी, जिनकी मौके पर वो घायल होकर गिर गए, जिनको अभी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। और यहाँ पे लोगों से जिनके परिजन हैं और सबसे बातचीत की जा रही है और उनको जहाँ बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है। लखनऊ से जनमत न्यूज़ के लिए अमिताभ चौबे की रिपोर्ट।